हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सबके अपने यूट्यूब चैनल कलसी आर्टिस्ट में। मैं प्रोफेसर नवदीप सिंह। तो गाइस, आज की वीडियो हम ड्रॉ करेंगे माता लक्ष्मी जी का पोर्ट्रेट। चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना देरी के। और उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए गाइस, सबसे पहले हमने देखिए इसमें क्या गया था। ये मेरे स्केच का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने पहले के तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर देख लेना, ये वीडियो पूरी करके देख लेना या फिर इससे पहले देख लेना, आपकी मर्जी है। बट वो भी पार्ट देख लेना तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि मैंने ये फ़ोटो कैसे बनाई है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने जो फर्स्ट पार्ट में क्या बनाया था, मैंने फर्स्ट पार्ट में माता लक्ष्मी जी का फेस और बाल कवर किए थे, उनको ड्रॉ किया था और बहुत अच्छे तरीके से हमने शेड किया था। देन सेकेंड पार्ट में हम माता लक्ष्मी जी का मुकुट बनाया था। सिर्फ सेकेंड पार्ट में मैं सिर्फ मुकुट ही कवर कर सका हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मुकुट पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आए, तो मैंने सेकेंड पार्ट में सिर्फ मुकुट बनाया है। आप देख रहे हैं, मैंने वीडियो बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी होगी वीडियो क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बहुत ही स्लोली स्लोली आपको एक्सप्लेन करके ड्रॉ करके बताया है। और थर्ड पार्ट में हमने बाकी का एरिया कवर किया था, ये हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें हम जो बाकी का एरिया, आई थिंक मुझे लगता है मैं सारा ही फोटो जो भी रह गई है, बाकी का जो भी पार्ट रह चुका है वो हम इस पार्ट में कवर कर लेंगे और ये लास्ट पार्ट है। चलिए वीडियो देखते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले किया क्या, हमने कलश ड्रॉ किया था माता लक्ष्मी जी का। बेसिकली आपको करना कि आपको सबसे पहले अपनी आउटलाइनिंग में ही जो है वो डिज़ाइंस वगैरह कवर करके रख लेना, बिकॉज अगर आप आउटलाइनिंग में पहले से जज करके रखेंगे या फिर ड्रॉ करके रखेंगे कि हमें किस तरीके के डिज़ाइन चाहिए किसी भी पार्ट पर, मैं कलश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्ट पर आप चाहे साड़ी ले लीजिए या फिर ज्वेलरी वगैरह, जहाँ पर भी आप, अगर आप अपने आउटलाइन में पहले से ड्रॉ करके रखोगे और उसके बाद आप शेड करोगे तो आपको एक तो काम ईजी हो जाएगा, आपको बार बार में देखना नहीं पड़ेगा कि यार कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ कौन सा नहीं, वो आपका एक टाइम बच जाएगा। और दूसरी बात, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, पहले ड्रॉ किए हैं देन आप दोबारा उसे ड्रॉ करोगे तो अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाएंगे। बाकी देखिए, जो हमने माता लक्ष्मी जी की साड़ी बनाई है, साड़ी में जो हमने मतलब एक रियलिस्टिक लुक लाने के लिए हमें हर एक पार्ट में जो डेप्थ और हाईलाइट का एरिया है वो अच्छे तरीके से कवर करना पड़ता है। कुछ लोग पूछेंगे कि डेप्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, डेप्थ वो जगह होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शेडो आपको शो हो रही होती है। अगर आप फोटो में देखें तो काफ़ी ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर हमें शेडो शो हो रही है, तो उस शेडो में जो शो हो रही होती है उसे हम अगर ड्रॉ करते हैं उसमें इतना बेसिकली पता नहीं चलता कि वहाँ पर एक्चुअल में है क्या, उस चीज़ को हम डेप्थ कहते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शेडो होती है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कलश में बनाया, मैंने वहाँ पर 400 पेंसिल का यूज़ किया है, जहाँ से कलश के फ्रंट के पास से जहाँ से जो सिक्के निकल रहे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने डार्क बनाया है, वहाँ पर मैंने 400 पेंसिल का यूज़ किया था। हम उस चीज़ को, उस पार्ट को हम डेप्थ करते हैं। और रही बात हाईलाइट्स की, हाईलाइट्स वो जगह होती है जहाँ पर जैसे कह सकते हैं हम कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ती है या फिर रोशनी पड़ती है, जो एरिया हाईलाइट रह जाता है, थोड़ा चमकता रह जाता है, ठीक है, या फिर अगर हम देखें किसी फोटो में थोड़ा बहुत वाइट रह जाता है, बाकी कुछ पार्ट ब्लैक होता है कुछ पार्ट वाइट होता है, जो वाइट पार्ट है उसे हम हाईलाइट्स कहते हैं। हमें अच्छे तरीके से सब कुछ मेज़र कर ड्रॉ कर लेना है, आपको सब कुछ फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आप अपनी ओर से कुछ मतलब अपनी ओर से कुछ ड्रॉ करोगे या फिर अपनी ओर से डेप्थ या हाईलाइट्स शो करोगे तो वो अननेसेसरी हो जाएगा, इसलिए आपको मैक्सिमम जो काम है आपको फोटो के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही करना है। रही बात इस फोटो की, मैंने वैसे बहुत सोचा कि मैं कौन सी फ़ोटो बनाऊँ माता लक्ष्मी जी की, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया पर किसी ने भी ऐसी फ़ोटो नहीं बनाई थी, बट मतलब कह सकते हैं कि ये वाली फ़ोटो किसी ने नहीं बनाई थी और ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा कि किसी ने नहीं बनाई थी मैं बनाता हूँ। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आपको स्केच कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। हाँ, साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट स्केच कौन सा तैयार करूँ। आपको जो साड़ी के डिज़ाइन है वो अच्छे तरीके से कवर करने हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर किस ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करना है।
वो आप मतलब वो जो मेज़रमेंट है वो कैसे आएगी आपके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले फ़ोटो को देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डार्क है, कहाँ पर ज़्यादा लाइट है। अगर आप देख सकते हैं किसी जगह पर ज़्यादा लाइट है तो वहाँ पर आप HB या फिर 2B पेंसिल तक की वहाँ से काम आप चला सकते हो, या फिर HB पेंसिल का यूज़ कर लो या फिर 2B पेंसिल का यूज़ कर लो, उसके ऊपर दो लेयर्स बना लो बेस लेयर बनाने के बाद, तो वहाँ पर वो काम आपका फिनिश हो जाएगा। बट अगर थोड़ा बहुत डार्क एरिया है, ठीक है, मतलब अगर हम करें कि स्किन टोन से, अगर हम स्किन टोन को देखें या फिर क्लोथ्स देखें तो उनमें क्या डार्क होता है, ऑब्वियसली क्लोथ्स ज़्यादा डार्क होते हैं, स्किन टोन हमारी थोड़ी लाइट होती है। हर एक पोर्ट्रेट में हम स्किन टोन को लाइट बनाते हैं। हाँ, अगर किसी पोर्ट्रेट में हम जो स्किन टोन है उसे डार्क बनाते हैं तो उस पोर्ट्रेट में हम जो क्लोथ्स की है जो टोन उसे हम लाइट बनाते हैं। ऐसे ये कमी होता है, मैक्सिमम क्लोथ्स को डार्क ही बनाते हैं, स्किन तो थोड़ा लाइट ही बनाते हैं। तो आप वैसे उसके ऊपर लेयर वाइज काम कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपको एक पहले बेस लेयर बनानी है, बेस लेयर आप किसी भी पेंसिल से बना सकते हैं, HP पेंसिल से या फिर उससे कम ग्रेड की पेंसिल ला लीजिए, चलो HP ला लेते हैं हम। HP पेंसिल से आपने बेस लेयर बना ली, अगर आपको देखना है कि बेस लेयर तक ही फिनिश है, अगर नहीं तो उसके ऊपर 2B पेंसिल यूज़ कर लो। अगर आपको देखना है कि हाँ यार इसे और अच्छा बनाना है और रियलिस्टिक लुक लेकर आना है, उसके ऊपर फिर से आप 4B पेंसिल यूज कर लीजिए। अगर वो इतना डार्क नहीं है पर आपको रियलिस्टिक लुक लेकर आना है तो आप फिर से 4B या फिर से 2B पेंसिल का यूज़ कर लीजिए। दो तीन लेयर बनाइए अच्छे तरीके से और स्लोली स्लोली काम कीजिए, आपका पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा बनेगा। बाकी रही बात इस वीडियो की, तो ये भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट हमने कवर किया है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको कैसे रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग जो भी वर्क आपने करना है, आपको सारा काम जो है बहुत ही स्लो करना है। मैं तो चलो वीडियो फास्ट की है मैंने, बट अगर मैं आपको बताऊं मुझे इस पूरे पोर्ट्रेट को बनाने में लगभग, इसमें काफ़ी ज़्यादा डीपली काम है, मुझे आई थिंक 10 से 12 घंटे लग गए होंगे। मैंने रेगुलर नहीं बनाई है ये, मतलब कि एक साथ नहीं बनाई मैंने इकट्ठी, मैंने पहला पार्ट किसी और दिन बनाया, फर्स्ट पार्ट किसी और दिन, सेकंड पार्ट किसी और दिन, थर्ड पार्ट किसी और दिन, ये जो फोर्थ पार्ट है ये भी मैंने 2 बार बनाया है। ऐसा नहीं कि मैंने फोर्थ पार्ट एक ही दिन में कवर कर लिया, तो काफ़ी थक जाता हूँ इतनी देर तक अगर हम काम करेंगे तो थक जाते हैं, तो मैं तो जल्दी थक जाता हूँ, थोड़ा आलसी हूँ, कोई बात नहीं। मैंने ये जो फोर्थ पार्ट आपके लिए बनाया है इसको मैंने 2 दिन में डिवाइड किया था, एक दिन मैंने आधा बनाया स्केच, अगले दिन मैंने फिर से आधा बनाया, देन फाइनली हमने स्केच कंप्लीट किया। कुछ लोग बोलते हैं कि आप काफ़ी बड़ी मतलब लेंथी लगते हो, वीडियो लेंथी रखती हो, ज़्यादा ही रखते हो, पर क्या करें, अगर आपको डीपली तरीके से समझाना है तो लेंथ तो बनानी ही पड़ेगी। बाकी ये हमारा जो पोर्ट्रेट है हमने ये A4 साइज़ की शीट पर बनाया है। GSM की बात की जाए तो इसका GSM आई थिंक 200 GSM का पेपर है, ये तो सॉफ्ट है, रफ नहीं है ये।